ओके, टुडे वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 13, एक्सरसाइज, आई थिंक बी एक्सरसाइज है. ओके, एंड 1B एक्सरसाइज. एंड राजे, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये PU 2013 और 2019 में आ चुका है. मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राजे, 2013 का और 2019 में दो बार आ चुका है ये. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है आपके बुक में, चेंज ऑर्डर. तो भाई ऑर्डर भी चेंज करना है. ठीक, किसका, ये डबल इंटीग्रेशन का, जिसकी लिमिट्स हैं, ठीक है, ये वाई की लिमिट्स है 0 से 2a, एंड सॉरी एक्स की लिमिट्स है 0 से 2a, वाई की लिमिट्स है रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से रूट ऑफ 2ax. अच्छा, फंक्शन पहले तो इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, पहले तो एक एफ नाम का लिख दिया, अभी ऐसा कोई फंक्शन है. ओके, एंड बाद में लिखा हुआ है इसके सेकंड पार्ट में, हेंस इवेल्युएट फॉर फंक्शन इक्वल टू 1. ठीक, स्टेटमेंट राजे लिख लो, सभी स्टेटमेंट लिख लो जल्दी. हाँ जी, स्टेटमेंट लिख ली रहते. ओके, तो भाई इसका सोल्यूशन देखो राजे. सबसे पहले पुरानी लिमिट्स पर अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि पुरानी लिमिट्स ही हमें ग्राफ बना के देंगी, है ना. तो ओल्ड लिमिट्स में राजे, वाई की लिमिट्स आपको क्या दे रखी है, रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 2ax, एंड एक्स की लिमिट्स क्या दे रखी है, 0 से 2a. ठीक, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लोअर लिमिट लूं, लोअर लिमिट क्या है, ये वाली रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स के, एक तरफ अपर लिमिट है. ठीक है, तो यहां से राजे, जैसे जो फर्स्ट नंबर पर है, स्केयरिंग करूं, ठीक, ये बन गया, एंड आई थिंक ये सर्कल बनेगा, फिर भी हम चेक करते हैं क्या ये सर्कल ही बनेगा. ठीक है, तो अगर मैं इसे होल स्केयर बनाने की कोशिश करूं, तो आई थिंक मुझे कितना ऐड करना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए राजे, ए स्केयर, यस और नो, दोनों तरफ ए स्केयर ऐड करना चाहिए. ओके, एंड ये राजे बनेगा एक्स माइनस ए का होल स्केयर, नेक्स्ट वाई माइनस 0 का स्केयर, नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर ए का स्केयर. सो विच इज क्लियरली अ सर्कल विद सेंटर ए कोमा 0 एंड रेडियस इक्वल टू ए, एंड राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ठीक है, आई थिंक ये पैराबोला बनेगा, फिर भी हम चेक करते हैं. देखो, स्केयरिंग की करेंगे तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 2ax, विच इज क्लियरली अ राइट हैंडेड पैराबोला. ओके, तो ये फटाफट नोट कर लो भी. अब इनकी राजे डायग्राम बनानी है. ठीक है, डायग्राम बनाने से पहले एक छोटा सा काम कर ही लेते हैं. जो सर्कल आया है, जो सर्कल की इक्वेशन आई है, ठीक
ठीक है, तो इससे आप राजे क्या करो, इससे आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी इससे, देखो पहले मैं x माइनस ए स्केयर की वैल्यू निकालू तो ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, फिर यहां से अगर स्केयर दूसरी तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा स्केयर रूट, एंड x की वैल्यू आ रही है ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई। ठीक, दूसरी तरफ राजे मैं पैराबोला पर थोड़ा सा और काम करूं तो वहां पर पैराबोला आया था वाई स्केयर इज इक्वल टू टू ए एक्स, और अगर यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी वाई स्केयर अपॉन टू ए। ठीक, ये हमने डायग्राम बनाने, तो पहले एक बार दोनों से एक्स की वैल्यूज निकाल लें। ओके, ओके, नोट कर लिया राजे ये वाला आपने। तो अब राजे देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसकी। ठीक, सबसे पहले राजे आप अगर देखोगे, एक हमें सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर क्या है, 1,0। तो ए ए की वैल्यू नहीं पता, तो अपनी तरफ से कुछ आप डिस्टेंस मान लो, भी ये वाला डिस्टेंस क्या है आप ए मान। ठीक, अगर ये ए है तो ए कदम और आगे जाएंगे, ठीक यहां पर, तो सर्कल का सेंटर क्या है 1,0। ओके, सर्कल का सेंटर क्या है 1,0, एंड रेडियस, रेडियस भी ए है, यस और नो, है ना, तो ये बनेगा सर्कल, ये डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, सेंटर 1,0, रेडियस ए, चेक करो सही बना है। ओके, एंड पैराबोला, देखो अब दो केस है, दो चांसेस है राजे, हो सकता है पैराबोला इंटरसेक्ट करके चला जाए, इस तरह का पैराबोला भी बन सकता है। ठीक, हो सकता है बाहर बाहर से चला जाए, अब पता नहीं अंदर से इंटरसेक्ट करके जाएगा, पता नहीं बाहर से इंटरसेक्ट करके जाएगा, अब ये भी पॉसिबिलिटी है, इट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, तो ये सेकंड वाली भी पॉसिबिलिटी है, तो पता कैसे करें भी पहले वाली पॉसिबिलिटी है या दूसरे वाली, क्योंकि डायग्राम सही बनेगी तब जाकर हम सही आंसर पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में सर्कल और पैराबोला के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला, ओनली वन, ओनली वन, सिर्फ ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे, यस और नो, है ना। और सेकंड सेकंड पॉसिबिलिटी में, इन द सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास तीन आ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर तो तीन आए तो सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर अगर एक ही आया, ओरिजिन आया, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, है ना। तो अब ये सही डायग्राम बनाने का सही तरीका यही है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने चाहिए। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स किनके, पैराबोला के और सर्कल के, ठीक दोनों के, तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों की इक्वेशंस लिख लो। सर्कल की इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, है ना, क्या थी राजे, एक्स के एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या थी जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स।
ठीक, कॉमन कॉमन निकालने के लिए राजे वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख दो, ये वाई स्क्वायर की जगह पर 2x लिखेंगे। ओके, अब इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी दोनों कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, और इसे मैं राजे ये पैराबोला की इक्वेशन में फिल करूंगा, 4x इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, दैट मीन ओनली 0 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो डायग्राम देखकर हम अब बता सकते हैं भी। हाँ, कौन सी पॉसिबिलिटी है राजे? देर इज अ पॉसिबिलिटी वन, फर्स्ट वाली है ना, तो सेकंड वाला मैं साफ कर देता हूं। अब ये सेकंड वाला साफ कर देते हैं, इसका अब कोई रोल नहीं। ओके, ये फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी, ये तो हमने राजे अभी डायग्राम कंप्लीट करने के लिए, ये देखो राजे, ये डायग्राम कंप्लीट करेगा। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 है, तो अगर इसे डायग्राम में बनाए तो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 है भाई, इनका इनका डायग्राम बनाओ, है ना। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 0 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस। एंड आप बताओ राजे, एक्स इज इक्वल टू 2 है, क्या ये वाला पॉइंट आएगा? है ना, ये वाला पॉइंट आएगा, है ना। तो यहां पर एक सीधी लाइन खींच दो, ये सीधी लाइन किसका रोल कर रही है? एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये आ गया आपके पास डायग्राम, पर अभी भी शेडेड रीजन नहीं पता कहां पर शेड करना है ना, मतलब कहां पर शेड करें, है ना, यहां पर करें फर्स्ट में करें कि सेकंड में करें कि थर्ड में करना है कि फोर्थ में करना है, पता नहीं कहां पर शेड करना है। अच्छा, तो वो कैसे पता चलेगा राजे? तो वो हम राजे लिमिट्स पर चलते हैं दोबारा, है ना, ओल्ड लिमिट्स पर चलते हैं। ठीक है, ये जो ओल्ड लिमिट्स हैं, ठीक है, इसमें राजे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला? नहीं, सर्कल, सर्कल है ना। और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, है ना, ये दोनों कौन सी वैल्यूज देंगे? पॉजिटिव, तो सर्कल की पॉजिटिव वैल्यूज, यहां पर पैराबोला की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हमने राजे वाई की वो वाली वैल्यू लेनी है जो सर्कल से ग्रेटर और पैराबोला से कम है, पर लेनी पॉजिटिव वैल्यूज, सर्कल से वाई की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है जो सर्कल के बाहर की हो और पैराबोला के अंदर की हो। ठीक है, वाई ग्रेटर देन सर्कल, सर्कल के बाहर पैराबोला के अंदर, सर्कल के बाहर पैराबोला के अंदर पर लेनी पॉजिटिव वैल्यूज है ना। तो डायग्राम को देख के बताओ राजे, डायग्राम को देख के बताओ राजे, है ना, सर्कल के बाहर और पैराबोला के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट में आएंगी, सेकंड में आएंगी, थर्ड में आएंगी कि फोर्थ में आएंगी? फर्स्ट में, है ना, सर्कल की पॉजिटिव वैल्यूज, सर्कल के बाहर वाई ग्रेटर देन और पैराबोला के अंदर, तभी तो लेस देन है, पैराबोला के अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन उनके लिए वाई लेस देन होगा, है ना। अगर वाई ग्रेटर देन सर्कल है, मतलब सर्कल के बाहर वाले पॉइंट पर लेनी पॉजिटिव वैल्यू है, तो कौन सा रीजन आ रहा है राजे? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन शो कर रहे हैं? फर्स्ट रीजन। तो मैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ सभी हटा देता हूँ, ये सेकंड हटा दिया, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ये वाला रीजन आ रहा है ना, ये शेडेड रीजन आ रहा है, ये शेडेड रीजन आ रहा है। अब इसके तीन हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है, वी हैव टू मेक अ पार्टीशन। ठीक है, ये मैंने ये एक लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी राजे, इस लाइन का रोल क्या है राजे? ठीक है, इस लाइन का रोल क्या है राजे? अगर तो मैं यहां पर स्ट्रिप बनाऊं, ओ सॉरी,
ठीक है। अगर तो मैं यहां पर स्ट्रिप बनाऊंगा, यहां पर, ठीक है, इसे आप A3 रीजन बोल दो। कौन सा रीजन बोल दो? A3 रीजन। अगर मैं A3 रीजन में स्ट्रिप बनाऊंगा, ध्यान से देखो राजे, स्ट्रिप पैराबोला से शुरू हो रही है, यस और नो? क्या स्ट्रिप पैराबोला से शुरू हो रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और खत्म कहां पर हो रही है? लाइन पर, ठीक है, खत्म कहां पर हो रही है? लाइन पर। और अगर मैं राजे ये वाला रीजन, ये मैं इसे A1 नाम दे दूं, इसके अंदर वाले को, अगर मैं यहां पर स्ट्रिप बनाऊं, ठीक है, A1 रीजन में स्ट्रिप पैराबोला से शुरू होकर कहां पर खत्म हो रही है? सर्कल पे खत्म हो रही है ना, तो सर्कल पे खत्म हो रही है। तो ये जो वैल्यूज है, A1 रीजन की जो वैल्यूज हैं, इनके लिए राजे है ना, इनके लिए ये देखो राजे, मैक्सिमम एक्स क्या होगा? इक्वल टू ए, है ना, ए से पहले पहले ना, ये जो A1 रीजन है, ये ए से पहले पहले है, इनके लिए एक्स लेस देन ए होगा। और ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, A2 रीजन, A2 रीजन में, A2 रीजन में एक्स ए से बड़ा होगा, यस और नो? ठीक है, A2 रीजन में एक्स ए से आगे है ना राजे। देखो A1 और A2 के जितने भी पॉइंट्स हैं, उनमें मैंने ये पार्टीशन एक लाइन खींची हुई ना राजे, ये वाली लाइन, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन से पहले A1 रीजन, इस लाइन के बाद A2 रीजन। तो A1 रीजन वालों के लिए एक्स की वैल्यू ए से कम, और A2 रीजन वालों के लिए एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा, ठीक। अच्छा, ये डायग्राम बना लिया आपने? डायग्राम बना ले फटाफट ये। हो गया, ओके। तो हम अब एक एक करके राजे निकालते हैं लिमिट्स, ठीक है, ठीक है। तो A1 रीजन को ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों बनाई, इसका भी रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी रीजन देना पड़ेगा। एज किसकी लिमिट्स वेरिएबल में थी राजे? लिमिट्स ऑफ वाई आर इन वेरिएबल, ठीक, सो देयर फॉर वी मेक हॉरिजेंटल स्ट्रिप, हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाएंगे, ओके। इसलिए हमने शेडेड रीजन में, वी मेक हॉरिजेंटल स्ट्रिप इन शेडेड रीजन, ठीक है। ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है, अगर वाई की लिमिट्स क्या है वेरिएबल, तो कौन सी राजे स्ट्रिप बनेगी? सो हम कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे राजे? हॉरिजॉन्टल, ओके। तो चलो ये डायग्राम, अच्छा मेरे को पहले ये बताओ आप, अच्छा एक बार राजे दोबारा से डायग्राम बना लेते, ठीक है। डायग्राम एक तो राजे सर्कल बनाया था जिसका सेंटर क्या था, A,0, ठीक, और एक राजे पैराबोला आया था जो बाहर से, दो पॉसिबिलिटी थी राजे, ये बाहर से कट हो रहा था, एक राजे लाइन बनाई थी x इज इक्वल टू 2A, ठीक है। तो ये सारा क्या आया था राजे? शेडेड रीजन, ये सारा शेडेड रीजन आया था, और ये वाला पर राजे हमने एक स्ट्रिप बनाई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक यहां पे बनेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक इस पार्टीशन वाली लाइन से, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे साफ कर, एक तो राजे यहां पे स्ट्रिप बनेगी, एक ये वाले रीजन में बनेगी, एक ये वाले रीजन में बनेगी,
ठीक है, ये वाला रीजन क्या है ए वन, ये वाला रीजन क्या है ए टू, और ये लास्ट वाला रीजन क्या है राजे ए थ्री। तो एक एक करके देखते राजे ए वन रीजन की लिमिट्स, ए वन रीजन की लिमिट्स क्या आएंगे। सबसे पहले हम न्यू लिमिट्स की तरफ चल पड़े। आवाज आ रही है भाई सबको? हेलो। ओके, हमने राजे कौन सी स्ट्रिप बनाई है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में राजे पहले किसकी लिमिट्स आएंगी? एक्स की लिमिट्स फर्स्ट, वाई की सेकंड। तो भाई पहले हमने एक्स की लिमिट्स लिखनी है। ठीक, डायग्राम को देख के बताओ राजे, डायग्राम को देख के बताओ भी शुरू कहां से हो रही है। ए वन, ए वन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है पैराबोला, और खत्म कहां पे हो रही है सर्कल पे, है ना? पैराबोला और खत्म कहां पे हो रही है सर्कल पे, है ना? और वाई की लिमिट्स, अच्छा इसी स्ट्रिप को राजे, इसी स्ट्रिप को मैं नीचे से नीचे यहां तक लेके आ सकता हूं। ठीक, ओरिजन पर राजे, ओरिजन पर वाई क्या होगा? ओरिजिन पर वाई क्या होगा राजे? जीरो। तो वाई की लिमिट आ गई जीरो। ओके ठीक। तो अच्छा, फिर ये वाली जो लाइन है ना राजे, ये जो पार्टीशन वाली लाइन है जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये पार्टीशन वाली लाइन, ये लाइन जो है ये आप चेक करना, ये होगी वाई इज इक्वल टू ए। ये लाइन क्या होगी राजे? वाई इज इक्वल टू ए। ठीक, चलो एक मिनट, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों वाई इज इक्वल टू ए है। अगर ये वाई इज इक्वल टू ए है तो ए वन रीजन में राजे स्ट्रिप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? पार्टीशन लाइन तक। ए वन रीजन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैक्सिमम पार्टीशन लाइन तक जा सकती है, और पार्टीशन लाइन पर वाई की वैल्यू क्या है? ए, है ना? तो यहां पर ए आ गया। अब ये पैराबोला और सर्कल की कौन कौन सी वैल्यू लिखें? मैं आपको बता दूं कि पैराबोला की आपने क्या वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू है ना? और सर्कल की तो दो वैल्यूज आई थी, सर्कल की क्या वैल्यूज आई थी? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई। तो अब ये सोचने वाली बात है भाई, डायग्राम को देखकर बताओ राजे, ए वन रीजन में ए माइनस वाली वैल्यू आएगी कि ए प्लस वाली आएगी? देखो, ए वन रीजन के लिए एक्स की वैल्यू ए माइनस वाली आएगी। ठीक है, एक मिनट राजे, ये हाँ जी ए माइनस वाली आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ए प्लस किया तो हम कौन से रीजन की वैल्यू लिख बैठेंगे? ठीक है, देखो ये इस पॉइंट पर ए है, तो इस पॉइंट से पहले क्या होगा? इन पॉइंट्स पर रज क्या होगा? इन पॉइंट्स पर एक्स लेस देन ए होगा, यस और नो, है ना? और इन पॉइंट्स पर आज जो ए के आगे है इनके लिए एक्स ग्रेटर देन ए होगा। तो ए वन रीजन के लिए हम एक्स की वैल्यू ए से कम लेंगे, ए माइनस कर दी, और ए टू रीजन में क्या होगा राजे? ए टू रीजन में एक्स की वैल्यू ए प्लस लेंगे। गेटिंग इट? तो दोबारा चलते राजे, ए वन रीजन में हम अब वैल्यूज क्या लेने जा रहे हैं भाई? एक्स की लिमिट्स क्या आएंगी? एक्स की लिमिट्स आएंगी इसमें पैराबोला की तो रजे एक की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर अपॉन टू है, और सर्कल की रजे, सर्कल की वैल्यू हम लेंगे ए माइनस वाली। ठीक, और वाई की लिमिट्स रजे जीरो से, नोट कर लो राजे, ये न्यू लिमिट्स ए वन रीजन की।
लास्ट पेज वाला हो गया राजे, ये तो चलो डायग्राम बना लेते हैं आपने, है ना। तो अब ए टू रीजन न्यू लिमिट्स, ए टू की बात कर ले, ठीक है। ए टू में राजे हमने हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाई है, तो एक्स की लिमिट्स पहले, ठीक है, एक्स की लिमिट्स पहले निकाल लेंगे। तो डायग्राम को देख के बताओ राजे, ए टू रीजन में हॉरिजेंटल स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है? वेरी गुड, ये कहां से शुरू हो रही है? सर्कल से, और खत्म कहां पे हो रही है? ए टू रीजन में लाइन पे खत्म हो रही है। लाइन लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है? 2a, ठीक है। लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है? 2a। तो ए टू रीजन में राजे शुरू कहां से हो रही है? सर्कल पे, और खत्म कहां पे हो रही है? लाइन, कौन सी लाइन? एक्स इज इक्वल टू 2a, ठीक। तो अगर मैं ए टू रीजन की लिमिट्स निकालूं एक्स की, तो लाइन लाइन पर तो राजे चलो एक्स की वैल्यू 2 है मैक्सिमम, और सर्कल से शुरू हो रही है। सर्कल की तो दो वैल्यूज थी ना एक्स की, उसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे? ए प्लस वाली। ये क्लियर आपको? ए प्लस वाली वैल्यू, ओके। एंड वाई की लिमिट्स राजे उसके लिए भी देखते हैं दोबारा डायग्राम। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रिप है ए टू रीजन में, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये नीचे से नीचे राजे यहां तक आ सकती है इस पॉइंट पर। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए वाई क्या है? 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना राजे। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा? 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा? 0। और ए टू रीजन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऊपर राजे मैक्सिमम पार्टीशन लाइन तक जा सकती है, पार्टीशन लाइन पर वाई की वैल्यू क्या है? ए, ठीक है। तो ए टू रीजन के लिए वाई की लिमिट्स क्या आ रही है? 0 से 2 है। ये बता दो राजे, क्लियर है ए टू रीजन? ओके। लास्ट राजे ए थ्री, ए थ्री रीजन में भी हम देखते हैं ध्यान से भाई, एक्स की लिमिट्स, है ना। डायग्राम की तरफ जा रहा हूं राजे, ए थ्री रीजन। तो राजे ए थ्री रीजन में राजे देख के बताओ भी, एक्स की लिमिट्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है वो कहां से शुरू हो रही है? क्या पैराबोला से शुरू हो रही है, और खत्म कहां पे हो रही है? लाइन पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो ए थ्री रीजन में राजे अगर आप ध्यान से देखो, ये पैराबोला की इक्वेशन तो वहां से तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है वाई स्केयर अपॉन 2 है, और लाइन पर राजे एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। और वाई की लिमिट्स राजे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे, तो वाई राजे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो नीचे से नीचे कहां तक आ सकती है? वो पार्टीशन लाइन पर आ सकती है। पार्टीशन लाइन पर वाई की वैल्यू कितनी है? ये पार्टीशन लाइन तक आ, वाई पार्टीशन लाइन पर वाई की वैल्यू कितनी है? ए। और मैक्सिमम राजे कितना ऊपर जा सकती है? सर्कल तक, है ना। सर्कल पर वाई की वैल्यू कितनी होगी राजे? सॉरी, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? पार्टीशन लाइन, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से कुछ डायग्राम थी, ये सर्कल था, ठीक, ये पैराबोला, और ये लाइन थी, ठीक है। तो ये एक पार्टीशन की हमने, यहां पर अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊं, ये ए थ्री रीजन है, ए थ्री रीजन पार्टीशन लाइन से ऊपर, तो इस पॉइंट तक जा सकती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू a, ठीक। अब मैं आपको बता दूं भाई, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो मैंने अभी एरो लगाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x इज इक्वल टू 2a को, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट है ना राजे, ये वाला पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका इंटरसेक्शन है भाई?
लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 ए एंड और किसका भाई, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स की जगह पर भी 2a, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है ना राजे, ये पॉइंट है 2a, 2a। यस और नो, क्या ये मैंने सही पॉइंट लिखा है? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है वो नीचे से नीचे पार्टीशन लाइन तक आ सकती है। पार्टीशन लाइन पर y की वैल्यू a, ज्यादा से ज्यादा ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जा सकती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर वाई की वैल्यू कितनी है, 2a। ओके, तो A3 रीजन में राजे y जो है वो A से कहां तक होगा, 2a तक। यस और नो? ओके, तो ये नोट कर लो राजे आप, A3 वाले रीजन की न्यू लिमिट। ओके, तो इसके बाद राजे इवेल्युएशन है ना, यहां तक अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, इवेल्युएशन। ठीक, इवेल्युएशन में राजे सबसे पहले देखो, ओवर A1 रीजन भी इंटीग्रेशन करनी है, ओवर A2 भी करनी है और ओवर A3 भी करनी है। ठीक, तब जाके आंसर मिलेगा। ठीक है, तो तब जाके हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक, तो एक एक करके करते हैं ना, किश्तों में करते हैं। पहले A1 रीजन, पहले A1 रीजन पर काम करते हैं। तो A1 रीजन में आप अगर देखोगे भाई, लिमिट्स क्या थी A1 रीजन में, वाई की तो राजे थी 0 से ए, एंड एक्स की क्या थी राजे, एक्स की थी वाई स्क्वायर बाय 2a से a√a² − y². ठीक, और फंक्शन की वैल्यू 1 लेनी है ना, फंक्शन की वैल्यू तो 1 लेंगे। ठीक, साथ साथ राजे नोट करते जाएं, तो अगर 1 की इंटीग्रेशन की जाए, 1 की इंटीग्रेशन की जाए एंड ये लिमिट्स फिल की जाए, तो आई थिंक ये बन जाएगा a√a² − y² −y² / 2a। ठीक, हाँ जी, नोट कर लिया राजे ये वाला। ओके, तो फिर राजे आप क्या करो, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, है ना। अच्छा, तीनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इनको इकट्ठा सॉल्व करते हैं। तो पहले राजे A1, फिर A2, फिर A3। अब A1 की लिमिट्स थी 0 से A, ठीक है, y² / 2a, a√a² − y² 1 dx dy। और A2 की लिमिट्स भी हैं, ठीक है, चेक करते जाओ राजे, सही लिख रहा हूँ A2 की लिमिट्स। एंड लास्ट में राजे A3 की लिमिट्स चेक करो, सही लिख रहा हूँ। ठीक, चेक करें राजेश, ये सारी लिमिट सही लिखी हैं। नोट कर लिया राजेश ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट राजेश, अगर A1 वाले की इंटीग्रेशन देखें, A1 वाले की इंटीग्रेशन, तो उसमें पहले
एक्स के साथ करेंगे तो ये आ रहा है ए माइनस रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन 2a प्लस सेकंड राजे ए टू वाले केस में ये आ जाएगा ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करोगे लिमिट्स पुट करोगे ये आ जाएगा। थर्ड राजे ए थ्री वाले में राजे अगर आप देखोगे पहले एक्स के साथ इंटीग्रेशन तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक अच्छा इन दोनों अच्छा फर्स्ट और सेकंड में क्या है लिमिट सेम है यस और नो दोनों की लिमिट सेम। ठीक तो ये देखो राजे ए टू ए एंड माइनस ए कितना बन जाएगा टोटल कितना बन जाएगा ये टोटल कितना बचेगा राजे दोनों की लिमिट सेम है ना जे दोनों की इंटीग्रेशन इकट्ठी कॉमन निकाल लेंगे। अब ये ए ये माइनस है ये प्लस का 2a कितना बचेगा प्लस का 2a बचेगा यस और नो ना प्लस का 2a बचेगा। ठीक है ये नोट कर लो पहले आप ये वाला पेज नोट कर लिया आपने ओके अच्छा उसके बाद आई थिंक ये ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ये ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ये भी कितना है ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओके ये दोनों माइनस माइनस कितना बन जाएगा ये भी 2 टाइम आ जाएगा है ना चेक करो राजे ये भी दोनों -2 टाइम्स आ जाएगा ए स्केयर माइनस वाई स्केयर है ना। तो ये हम करते हैं एक ये थर्ड नंबर पे ये बचेगा वाई स्केयर अपॉन 2a तो पहले और दूसरे वाले की जो इंटीग्रेशन है उनकी लिमिट सेम है लिमिट्स इकट्ठी कॉमन कर देंगे और अंदर क्या बचेगा देखो ये 0 से a ए ए वाली टर्म्स हमने सॉल्व की थी 2a बचा ठीक और अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर वाली टर्म भी -2 टाइम्स बचेगी और एक राजे क्या बचा माइनस वाई स्केयर अपॉन 2a ठीक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक और क्या बचा राजे a3 वाला जो रीजन था a3 वाला रीजन उसमें 2a की इंटीग्रेशन अलग से कर देते हैं एंड वाई स्केयर अपॉन 2a की इंटीग्रेशन ठीक ये नोट कर लो राजे आप जल्दी। ओके तो अच्छा नेक्स्ट पेज में देखते हैं राजे फर्स्ट वाले में राजे 2a बाहर 1 की इंटीग्रेशन y लिमिट्स 0 से a। सेकंड वाला राजे रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर के इंटीग्रेशन तो सबको पता है भी y इंटू रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन 2 ठीक प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स y अपॉन a ठीक एंड नेक्स्ट राजे वाई स्केयर अपॉन 2a है ना वाई स्केयर अपॉन 2a की इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 2a इंटू 3 आ जाएगा। इसमें भी लिमिट्स फिल करेंगे क्या है लिमिट्स इसकी 0 से a एंड लास्ट में राजे 2a बाहर 1 की इंटीग्रेशन y और वहां पे भी लिमिट्स फिल करेंगे a और 2a एंड लास्ट में राजे है वाई स्केयर अपॉन 2a उसकी इंटीग्रेशन भी वाई क्यूब अपॉन 2a इंटू 3 इसकी लिमिट्स है a और 2a।
हाँ जी, यहां तक लिख लो अभी जल्दी जल्दी सभी। हो गया, थोड़ा सा राजे आप 2-3 लाइंस छोड़ देना, इसको सॉल्व करना अच्छे से, लिमिट्स फिल कर लेना। ये आंसर मैं लिख रहा हूं 8a² / 3 -a² π/2। ठीक, ये आंसर मैच कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है। नाउ रिमेनिंग वर्क इज वी हैव टू फिल द लिमिट्स। ओके, तो ये आप कर लेना कंप्लीट। तो एक तो राजे होमवर्क है आपका। होमवर्क क्या है देखो, एक्सरसाइज में जो आपकी एक्सरसाइज है 1B, उसमें राजे अगर मैं देखूं तो भाई PU वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 PU में आ चुका है राजे, PU 2013-2014, तो ये हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये अच्छे से करना आप, और ठीक है ये आप अच्छे से कर लेना, ये जरूर करना। और असाइनमेंट, ये आपकी असाइनमेंट राजे आपने अपलोड करनी है इसी ऐप में। ठीक, वो मैं एक असाइनमेंट रिमाइंडर बना दूंगा, आप उसमें अपलोड कर देना। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट है राजे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एक्सरसाइज 1C, अब एक्सरसाइज 1C शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो इसमें आएगा राजे एरिया निकालने को कहेंगे बाउंडेड रीजन्स का, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, ठीक है, इन प्लेन। अभी प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन में बाउंडेड रीजन्स का एरिया, तो वो कैसे निकलेगा राजे, वो कैसे निकलेगा। नंबर 1, आपने फंक्शन क्या लेना है, फंक्शन क्या लेना है, 1, क्या लेना है, फंक्शन 1। ठीक, और ये फंक्शन 1 लेकर आपने डबल इंटीग्रेशन लेनी है, डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन ए, ओवर रीजन ए। ए क्या है, ए क्या है, वो रीजन जिसका हमने क्या पता करना है, जिसका एरिया पता करना है, एरिया पता करना है। देखो आपको एक ना ए रीजन दे देंगे, आपको कहेंगे इसका एरिया पता करो। आपने राजे डबल इंटीग्रेशन करनी है, जिसका एरिया पता करना है उसके ओवर ही कर दो। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 1 ले लेना। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आपको देगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ए। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं, ये नोट कर लिया आपने फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, मतलब दैट मीन आपको कहेंगे भी एरिया निकाल दो इसका, रीजन ए का। ठीक है, रीजन ए का, तो आपने क्या करना है, पहले तो ये बाउंडेड होना चाहिए तभी एरिया आएगा, बाउंडेड रीजन। आपने राजे फंक्शन, फंक्शन की जगह पर क्या ले लेना है, फंक्शन की जगह पर क्या लेना है बताओ भी, 1 1 लेंगे। ठीक, और लिमिट्स, लिमिट्स क्या लेनी है, ओवर ए, लिमिट्स ओवर ए ले लेनी है। मतलब जिसका रीजन, जिस रीजन का एरिया निकालना है ना राजे, वहीं से लिमिट्स निकाल लो और फंक्शन की जगह पर 1 रखो, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया। गेटिंग इट? ठीक है, लेट अस ट्राई योर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x² एंड लाइन y इज इक्वल टू x+2। ठीक, आपने इसका एरिया निकालना है जो इन
के बीच बाउंडेड है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो बाउंडेड है। चेक योर आंसर, चेक योर आंसर बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। स्टेटमेंट नोट कर लो भी फटाफट। ओके तो हमने जो रीजन है ना, जो रीजन का एरिया पता करना है, ठीक, वो हमें नहीं पता इसमें हमें, ठीक है, ना एक्स की लिमिट्स पता है ना वाई की लिमिट्स पता है, दोनों में हमें किसी की भी लिमिट्स नहीं पता। हमें इतना पता है फंक्शन की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक। तो उन्होंने एक एक तो पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखी, एक लाइन एक पैराबोला, ठीक है। तो पहले तो भाई इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही आपको पता चलेगा लिमिट्स का, ठीक है। तो मैं राजे डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक। तो डायग्राम बनाते, एक तो राजे क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, इट इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड पैराबोला, यस और नो, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसके लिए राजे अगर पॉइंट्स बनाए, ठीक है, तो आप राजे पॉइंट ले लो, जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। और अगर y की वैल्यू 0 लें, y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ओके अब इसके डायग्राम बनाए, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला आ गया। अब राजे दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो लाइन है ना राजे, लाइन कुछ इस तरह से भी जा सकती है कट करके, ठीक, हो सकता है लाइन कहीं बाहर से चली जाए, जैसे एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे, है ना। तो जैसे हमने इसको पॉसिबिलिटी 1 बोल दिया, ये है पॉसिबिलिटी। अब पता कैसे चलेगा, हाउ कैन वी फाइंड भी लाइन कहां से पास करेगी, ऊपर से पैराबोला को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी कि नीचे से जाएगी, ठीक है। तो वो पता करने का क्या तरीका है राजे, दोनों के क्या, दोनों पैराबोला और लाइन के क्या निकालेंगे हम, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं ऑफ किसके, लाइन एंड पैराबोला, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स। तो एक तरफ है भाई लाइन की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एंड पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों इस वाले में राजे, चलो तो इस वाले में मैं y की जगह पर फिल करता हूँ एक्स प्लस टू, ठीक, एक्स प्लस टू। तो ये तो राजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, इसके फैक्टर बनाना, फैक्टर बन रहे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, जहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी टू एंड माइनस, मतलब दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है। अगर एक्स की वैल्यू टू लूंगा, टू टू लें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, फोर। अगर एक्स की वैल्यू -1 लें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, 1। समझ रहे हो राजे, दो पॉइंट्स आए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में, वी गेट टू पॉइंट्स। तो भी पॉसिबिलिटी 1 बनेगी कि पॉसिबिलिटी 2, देर इज अ, इट इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी 1, है ना। तो पॉसिबिलिटी 2 को हम कर देते हैं साफ, ये पॉसिबिलिटी 2 हटा दी, ठीक है। तो इन लाइन और पैराबोला में बाउंडेड रीजन ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है बाउंडेड रीजन, ठीक। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता हमें, है ना, दो आए ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो आया 2,4, यस, और एक ये वाला पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट क्या आया राजे, क्या आया था भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देख ले आगे जाके, -1 एंड 1, -1 एंड 1। तो ये तो हटा ही देते हैं फिर, है ना, इनकी जरूरत ही नहीं, ये दो पॉइंट्स आ गए आपके पास,
ठीक, तो इसमें राजे आप बताओ, देखो लिमिट्स पता करनी है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने का फायदा है कि वर्टिकल स्ट्रिप बनाने का फायदा है? इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने का फायदा है कि वर्टिकल स्ट्रिप बनाने का फायदा है? इसमें हमें वर्टिकल, वेरी गुड, वर्टिकल स्ट्रिप बनाने का फायदा है, हम बेनिफिट में रहेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप बनाने का क्या फायदा राजे? अच्छा, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बनाने का क्या फायदा? ये मैंने जैसे वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, ठीक है, ये मैं शेड कर रहा हूँ वर्टिकल स्ट्रिप को। अब वर्टिकल स्ट्रिप बनाने का क्या फायदा है? फायदा क्या है राजे? पैराबोला से शुरू, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है कहाँ से शुरू होगी? पैराबोला से खत्म कहाँ पे होगी? लाइन पर। आप राजे शेडेड रीजन में कहीं भी वर्टिकल स्ट्रिप को ले जाओ, पैराबोला से शुरू हो रही है, लाइन पे खत्म हो रही है। क्या आपको कोई A1, A2, A3 रीजन बनाने की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? है ना, तो हम भाई वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, हम फायदे में रहेंगे, ठीक है, हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। और वर्टिकल स्ट्रिप अगर बनाई है तो लिमिट्स भी वाई की निकालनी पड़ेंगी, ठीक। तो वाई की वैल्यू देख लो राजे, दोनों वैल्यू पता ना आपको, वाई की एक्स, एक तो वैल्यू x+2, एक एक्स स्क्वायर, तो है ना, ये A3 रीजन। हम एक मिनट, ए रीजन की बात करें राजे, ए रीजन में अब मैं बताऊंगा आपको वाई कहाँ से शुरू हो रहा है, पैराबोला से, खत्म कहां पे हो रहा है? लाइन पर। ओके, तो चेक करके बताओ राजे, पैराबोला की क्या वैल्यू दे रखी है आपको वाई की? एक्स स्क्वायर, और लाइन पर वाई की वैल्यू कितनी है? x+2। ओके, वाई के लिमिट्स क्लियर सभी को? ठीक है, अब डायग्राम को देख के बताओ राजे, इस वर्टिकल स्ट्रिप को आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या मिनिमम आप किस पॉइंट तक लेके जा सकते हो? इस पॉइंट तक लेके जा सकते हो मिनिमम, ठीक। इस पॉइंट पर एक्स कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन दिस पॉइंट? -1। और इस वर्टिकल स्ट्रिप को आप राइट हैंड साइड मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हो? इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट पर राजे एक्स कितना है? 2। तो भाई एक्स के लिमिट्स क्या आ गई? -1 से 2, ठीक, -1 से 2। ये डायग्राम में अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो भी बना लो अपनी डायग्राम में। नोटेड, ओके। तो अगर हमारे पास लिमिट्स हैं तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का क्या रूल सीखा था भाई? फंक्शन की जगह पर 1 लें, ठीक, और रीजन, जो भी जिस रीजन की भी आपने निकालनी थी लिमिट्स, उसी को, मतलब जिसका भी एरिया पता करना है उसी उसी से ही लिमिट्स निकलेंगी, ठीक है। एंड लिमिट्स क्या आई है हमारे पास? वाई की एक्स स्क्वेयर से x+2, एंड एक्स की क्या आई है राजे? -1 से 2, ठीक। तो 1 की इंटीग्रेशन करोगे भाई, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे भी वाई, फिर लिमिट्स फिल करोगे आप, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास x+2 -x² एंड बड़ा ही इजी है राजे इनकी इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन करके आंसर लिख देता हूँ, ये इंटीग्रेशन किया, और ये जब लिमिट्स फिल करोगे आप, पहले 2 फिल करेंगे, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना, ये 9/2 आंसर आ रहा।
हाँ जी, व्हाट इज द टाइम, कोई टाइम बताएगा राजे आप में से? 5 o'clock हो गया। ओके, पूरा टाइम हो गया। ठीक है, तो अब राजे जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप करोगे, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज करने वाले बहुत क्वेश्चन कर लिए है ना, तो ये आप करोगे। ठीक है, डू योर सेल्फ। क्या है राजे, क्या सेकंड पार्ट में क्या करना है आपने? आपने क्या करना है, चेंज द ऑर्डर। एक तो ऑर्डर चेंज करना है, एंड चेंज द ऑर्डर एंड फिर इवेल्युएट भी करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, चेक चेक द आंसर, आंसर चेक करना है भाई। ऑर्डर चेंज करके भी 9/2 ही आंसर आएगा। तो मैं आपको राजे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, जो हमने अभी सॉल्व किया है उसमें किसकी लिमिट्स वेरिएबल में है भाई, वाई की लिमिट्स क्या है वेरिएबल, यस और नो? ठीक, तो हम कौन सी स्टेप बनाएंगे राजे ऑर्डर चेंज करने के लिए? ऑर्डर चेंज करने के लिए हम कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे? हॉरिजेंटल स्ट्रिप, हॉरिजेंटल स्ट्रिप, हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाकर आपको, अगर आपने हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाई तो पहले किसकी लिमिट्स निकालेंगे? एक्स की लिमिट्स पहले निकालेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से करोगे राजे, दो रीजन आएंगे, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप करना राजे। ठीक है, यहां तक राजे कोई डाउट आपको? आज के लिए राजे इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके राजे, आप लीव कर सकते हैं।